Hey everyone, I am Pratyush and you are watching a Sports Crush. सीरीज इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी जीत थी इंडिया की कि एक वीडियो में एटलीस्ट दो वीडियोस तो बनते हैं इस सीरीज पे। तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही बात करना चाहूंगा मैं इसमें कि ये जो अपन लोग देखते रहते हैं ना स्पोर्ट्स तक या जो भी इतनी सारी चीजें हैं, जो भी आपके रिजवान हैदर पाकिस्तान के चैनल्स, तो भर भर के मतलब इंडिया के लिए ही बनाना है उनको कि भैया भर भर के व्यूज आने वाले हैं, भर भर के पेल पेल के व्यूज आने वाले हैं। पाकिस्तान टीम की तो बहुत बुरी हालत है, वो तो 10 साल से अभी नहीं है, तो ये वो वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि व्यूज आए। हालांकि पैसे सबको कमाना है तो व्यूज तो चाहिए, मुझे भी चाहिए, है ना। तो प्लीज बात तो ये ऐसी कि ये लोग जो कहते हैं ना कि इसको मत खिलाओ, उसको मत खिलाओ, स्पोर्ट्स तक आप देखते होंगे इसको नहीं खिलाना, वॉशिंगटन को क्यों खिला लिया, रोहित कोहली में लड़ाई, है ना, ये सारी चीजें फालतू की है, सब फालतू की है। ठीक है, हम लोग सब टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास, ठीक है, और मजे आके बातें करते हैं यहाँ पर बस। ठीक है, हमको पता है कि उनको पता है जो कि 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 15 साल से रवि शास्त्री ने करीब 25 से 30 साल तो कमेंट्री ही कर ली होगी, मतलब 15-20 साल तो करी होगी, है ना, और क्रिकेट भी काफी खेला, इतने बड़े प्लेयर थे वो, है ना, मोटिवेटर तो नंबर वन आई थिंक वो, कमेंटेटर तो जानते ही हैं, हर इंडिया के ऐतिहासिक विन में, ऐतिहासिक मोमेंट में उनकी कमेंट्री है, तो वो ज्यादा जानते होंगे कि हम लोग ज्यादा जानते होंगे कि वॉशिंगटन को खिलाए कि नहीं खिलाए इतने बड़े मैच में, ब्रिस्बेन में जहां सीरीज दाव पर लगी है, जीते तो सीरीज जीते, हारे तो सीरीज हारे, है, मतलब हमको ज्ञान नहीं है, मतलब उनको ज्ञान नहीं है, हम सबको ज्ञान है, क्योंकि कमरे में बंद बैठ के सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, फ्री में, वो भी इसका कोई हमको कोई प्रेशर ही नहीं है, ठीक है, और वो इतने जो लैंगर ने कहा कि 1.5 बिलियन पीपल में आप टॉप 11 में हैं, है ना, उस टीम को सिलेक्ट होने वाले जो भी 11 में हैं वो सोना तो वैसे ही है कि नहीं, तो उसके बावजूद और रवि शास्त्री को वजन कराने को पता नहीं हो किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, सर हमको पता है ना, क्योंकि हम एक कमरे के अंदर बैठ के एक वीडियो बना देंगे, हम महान ज्ञानी हैं, 20 साल से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, 30 साल से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, हर दिन क्रिकेट देखते हैं, हर मैच का लेखा जो कई स्कोर्स तक याद है सबके, सबकी सेंचुरी याद है, फिफ्टीज याद है, विकेट याद है, सबको याद है, तो हमको पता है उनको नहीं पता, ये तो मानता ही वाली बात हो गई है। तो प्लीज जो भी कहना है कहना दो, बट इतना मुझे पता है कि जो भी इस 11 में खेल रहा है ना नंबर वन प्लेयर इंडिया का, जो भी टीवी में देख रहा है ना आपको नंबर वन प्लेयर, अगर आपने अकेडमी क्रिकेट खेला होगा ना तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि किस लेवल के प्लेयर आपको होना पड़ता है कि एक आपको एटलीस्ट आपको एक डिवीजन लेवल पे भी खेलने के लिए पता पड़ जाती है कितना कंपटीशन है क्रिकेट में ना, तो मजाक नहीं है जो भी है, सब कुछ सुनते हैं निकाल देंगे अपन लोग इन सबकी बात है। मेरे हिसाब से तो बस जीत मैच देखो, पागल इतने ना अपन लोग क्रिकेट के पीछे कि ज्यादा हर फैन एक एक्सपर्ट है, लेकिन अपन से बड़े एक्सपर्ट वो लोग हैं जो कि वहां बैठे हैं, मैनेजमेंट में बैठे हैं, टीम 11 में बैठे हैं, अपन लोग एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन अपन यहीं तक के एक्सपर्ट है, है ना, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन उनसे ज्यादा कभी नहीं हो सकते, तो अपन को ज्ञान पेलना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि उसको खिलाओ उसको नहीं खिलाओ, ये सब बर्बाद डिसीजन है पूरा, ये तो महा बेवकूफी है आई थिंक, है ना, वो महान है इसलिए वो वहां पर है, अपन लोग महान अपने घर में है इसलिए घर पे है, ये बात भी सच है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स क्रश फॉर रियल एंड रॉ कंटेंट, ओके, सो प्लीज यार कर दो।